लेकिन इस औरत ने उसका राज बता दिया और उसके बाल, जब उसको रात को सो रहा था रस्सियों से बांध दिया और उसके बाल काट दिए और उसकी ताकत खत्म हो गई, उसको पता लग गया मेरी ताकत खत्म हो गई और उसकी आंखें फोड़ दी गई, अंधा हो गया वो, अंधा हो गया वो। कौन है ये? कहता है कि परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति। आज लोगों की मिनिस्ट्रियां अंधी हो जाती हैं, आज लोगों के सेवक अंधे हो जाते हैं, बिजनेस अंधे हो जाते हैं। अगर कोई ऐसा है, मैं कह रहा हूं कि आज रात कर अगर आपका कुछ छीन लिया गया है, आपका सब कुछ वापिस आएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपका अगर किसी ने छीन लिया वापिस आएगा, आमीन बोलने वाले। बस एक काम करना है, अभिलाषा के शेर को मार देना है। शेर कई बार नहीं आपके अंदर है, पड़ोसी को पूछो क्या तूने कभी शेर मारा है, पूछो कभी पड़ोसी को शेर मारा है। देखो इसने बाहर का शेर मारा लेकिन अंदर का शेर मारना भूल गया। आप बड़ी मंजिल पर पहुंच गए होंगे बड़ा शेर मारकर, आपने बड़े बड़े बिजनेस खोले होंगे, बड़े बड़ी सेवकाई खोली होगी, बड़ा काम किया होगा, लेकिन अंदर के अभिलाषा का शेर आज भी जाग रहा है आपका, उसको मारना है। कह रहा शिमशोन अंदर के शेर को नहीं मार पाया, इसलिए कह रहा कि शैतान ने उसको फाड़ दिया, उसकी आंखें फाड़ दी, उसकी अनोइंटिंग को खा गया, उसकी ताकत को खा गया, उसके बिजनेस को खा गया होगा। मैं क्या कह रहा हूं, कहता कि अगर आज आप इस बात को समझें, कहता जो संगलों को तोड़ सकता है, कह रहा जो शेर को फाड़ सकता है कपड़े की तरह, वो जिस परमेश्वर ने उसको इतनी बड़ी ताकत दी, वो आपको भी ऐसी ताकत दे सकता है। एक दिन में तुम करोड़पति बन सकते हो यीशु मसीह के नाम में। एक दिन में तुम करके कि किसी की चंगाई का कारण बन सकते हो। एक दिन में तुम किसी को छुटकारे का कारण बन सकते हो। एक दिन में तुम लाखों आत्माएं बचा सकते हो। लेकिन प्रचार करने जाते हैं, एक आत्मा नहीं बसती, बाप नहीं बसता, माँ नहीं बसती। कारण क्या है? कारण यही है, कहता है कि हमने अपने अभिलाषाओं के शेर को अंदर नहीं मारा है। आज आपको मारना, अपने पड़ोसी को बोलो अपने शेर को अंदर से मार। पांच चीजें देखो, आंख नाक कान जीभ और हाथ। फिर कह रहा हूं, आंख कान नाक हाथ जीभ, ये शारीरिक है। और शैतान क्या करता है, कह रहा है कि जानवर की बॉडी इन चीजों का टेस्ट मांगती है, और ये भी आंख कान नाक हाथ जीभ। जीभ जिस चीज का टेस्ट कर लेती है, गोलगप्पे का शाम को उसको दोबारा चाहिए, गच्चक शाम को चाहिए, रसगुल्ले फिर चाहिए। एक दिन पूरे जिंदगी में एक बार रसगुल्ला खा सकते हो? पादरी क्या करा। जीभ दोबारा मांगती है, आपकी बॉडी दोबारा मांगती है। एक लड़का आया, बोला, कह रहा पापा मेरे अंदर इतने गंदे विचार आते हैं, मैं अपनी सगी बहन को देखकर भी ऐसे गुस्सा आता, मुझे मतलब कुछ नफरत होती है बात कहने में भी। मैंने कहा अपना मोबाइल चेक करा, उसके मोबाइल में सुन रहे हैं कि नहीं, कितना देखता है। आप अगर गंदी वीडियो देखते हैं तो इसका मतलब आपको दोबारा से टेस्ट कर मांगेगा, आंख दोबारा टेस्ट मांगेगा, दोबारा दिखाना, दोबारा दिखाना। सही कह रहा हूं। यीशु मसीह ने मत्ती के 5:28 में क्या कहा, पढ़े जरा देखो क्या लिखा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे विचार कर चुका। इसका मतलब कह रहा कि तुम्हारी बॉडी फील कर चुकी, तुम्हारी आंखें फील कर चुकी, कह रहा हाथ लगाने से नहीं, कह रहा व्यभिचार हाथ लगाने से होता है, आंख नाक कान मुंह जीभ और हाथ। कहता फील कर चुकी, यीशु मसीह बोलते तुम फील कर चुके, मन में आंखों में फीलिंग ले लिया, पाप हो गया। इसका मतलब आपकी बॉडी टेस्ट मांग रही है, आपको अभिलाषा का शेर मारना है आज अंदर से। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, अगर आपने अपने आप को तैयार किया, मैं कह रहा हूं कि पौलुस बोलता है 1 Corinthians 9:27 में, कह रहा मैं अपनी देह को मारता कूटता जलाता हूं, अपनी बॉडी को मारता हूं कूटता हूं जलाता हूं, अपने विचारों को कोई नहीं आएगा पास्टर आपको बचाने के लिए, कोई नहीं आपको आएगा। परमेश्वर आपके चरित्र को देखने के बाद आपको प्रधानमंत्री बनाएगा। आपके चरित्र को देखने के बाद, यूसुफ के चरित्र को देखा, उसने अपनी देह को मारा कूटा, अपने विचारों को मारा कूटा, और परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि ये गरीब नहीं रहेगा, ये दलित परिवार का नहीं रहेगा, ये तो प्रधानमंत्री बनेगा मिस्र के अंदर यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर ने बना दिया उसको। दाऊद को देखा, दाऊद ने अपने अंदर के चरित्र को, अपने अंदर के अभिलाषा के शेर को मारता चला गया, मारता चला गया। परमेश्वर ने कहा जा दाऊद तू राजा बनेगा, राजा बन गया। याद रखना कि आप एक छोटी सी सोच आपको गरीब बना सकती है, छोटी सोच आपको करे बंगले से झोपड़ी में लेकर आ सकती है, एक गंदा विचार आपको जीरो कर सकता है, फिर से आपको 12वीं से नर्सरी क्लास के पेपर देने पड़ेंगे। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा कहता कि आपको विचार करना है, विचार करना है, क्या विचार करना है मुझे नहीं पता। अपने हाथों को उठाना और बोलना कि मेरी बॉडी आज से टेस्ट मांगना बंद करे, मेरी मेरी आंखें, मेरे नाक, मेरे जीभ, मेरे हाथ आज से वो टेस्ट, गंदे टेस्ट मांगना बंद करे। मैं कह रहा हूं कि आज आपका टेस्ट, सुनो आपको थप्पड़ मारा आपने किसी को,
थप्पड़ मारा किसी को, नहीं तो प्लीज मेरे कहने से अपनी जनानी को थप्पड़ मार के देखना आज। सारे बोले हालेलुया। आप थप्पड़ मार के देखना, थोड़ी देर के बाद आपका हाथ फिर टेस्ट कर मांगेगा टेस्ट, एक बार और। कई बच्चों को मारा है, एक बार और आपका हाथ टेस्ट मांगता है। हालेलुया। कहता है एक बार और मार कर देखना। कहता आपको लगता है पता, तनु पता मैं पंजवी क्लास झाड़ू मारिया कुड़ी आगे पैसी। आप कहते हैं कई बार आपकी जुबान दिखती नहीं है। कहता है कि आपको अपने अंदर की अभिलाषाओं को मारना है। परमेश्वर ने कहा करा दाऊद कर तू नहीं, तेरे हाथ ने बहुत खून बहाया है, तेरा लड़का मेरा चर्च बनाएगा क्योंकि वो शांत पुरुष है, उसने अपनी अभिलाषा को मार दिया अंदर से। अपने शेर को मार दो आज, अपने अभिलाषा के शेर को मार दो आज, आज यहूदा के शेर को बाहर निकालो आज। हालेलुया। आज तुम यहूदा के शेर जो होते हैं, कहते हैं कि वो परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ते हैं। बस गीत गाना है शेर शेर बब्बर शेर शेर शेर। कहता है शेर, कहता है वो शेर शैतान का भी एक छोड़ा हुआ शेर है। आपको पता ना कौन सा है वो? पहाड़ों में मिलता है वो, सारों में। हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। सवारी भी होती है उसकी, कितनों को पता है? हाँ क्या सोच रहे हो? आपको पता है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहे हैं, पौलुस बोलता है, कहता है कि मैं हर एक गंदी चीज से दूर रहना जानता हूँ। पौलुस बोलता है कि मेरे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले। कह रहा कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो परमेश्वर आज रात बनाना चाहता है, लेकिन आपको कहना है, कह रहा कि विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आज काम चमत्कार कर रहा है। कह रहा ऑनलाइन चर्च परमेश्वर कि आपके जीवन से कोई बड़ी योजना अगर आज आप हाथ उठा रहे हैं मेरे साथ, और तो कहूं कि परमेश्वर अंदर की अभिलाषा वाला शेर आज मर जाए यीशु मसीह के नाम में, मर जाए आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आज ही मेरे घर में चमत्कार होने शुरू हो जाए। अपने पड़ोसी को बोलो आज ही मैं घर जाके अंदर के शेर को मरूंगी। उंगली करके बोलो आज ही मैं अंदर के शेर को घर जाके मारूंगी। मारो अपने आप से, बोलो घर जाके मारोगे कि नहीं? हैं? घर जाके मारेंगे कि नहीं? घर जाके छुपा के रख रखा होगा कुछ शराब दी बोतल, कट के मारना पड़े तंबाकू बीड़िया गंदी वीडियो, सुन रहे हैं कि नहीं? कहता है आपके जीवन की रुकावट है ये, आपने अंदर कुछ छुपा रखा है। कहता है कि बाइबल बोलती है पाप तेरे द्वार पर छिपा रहता है, इसलिए तुम जा नहीं पाते अपने अंदर छिपे हुए पाप को। कहता है जो अपने अपराध को मान लेता है उसका काम सफल होने लग जाता है यीशु मसीह के नाम में। आपके सफल कराने हैं कि नहीं? बर्बाद कराने हैं तो हाथ उठाओ। कितने लोगों ने बर्बाद कराने हैं? सफल कराने तो हाथ उठाओ आज यीशु मसीह के नाम में। सफल कराने आज से आपके, जो अपने आप को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं आज से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद रखूंगा, कि पवित्र आत्मा में अपने अपनी आत्मा को भटक नहीं दूंगा, अपने विचारों को भटक नहीं दूंगा। कि मैंने जान लिया शिमशोन ने कह रहा है कि जब गलत किया तो उसकी माँ ने देखा कि उसके बच्चे का कैरियर बर्बाद हो गया। आज आप चाहते हो कि आपके बच्चों का कैरियर बर्बाद हो जाए? कोई माँ बाप नहीं चाहता। जितने हाथ उठा रहे हैं मैं कह रहा हूँ उनके बच्चों के कैरियर सक्सेसफुल होने पाए। आमीन। कह रहे कैसे बचना है इस भटकाने वाली आत्मा से, आपको सिखा रहा हूँ आपको बचना कैसे है। कह रहे ब्लॉक कर दो उस मैसेज को जो आपको गलत, आपको गुमराह करता है। चल कंचे खेलने चले, चल शराब पीने चले, चल यार आज लड़ाई झगड़ा करने चले, चल जुआ खेलने चले, फिल्म देखने चले, वीडियो देखने चले, चल मूवी देखने चले, चल आई लव यू मैसेज आया उसको ब्लॉक कर दो। हालेलुया। आई वांट टू डू यू फ्रेंडशिप, प्लीज गिव मी आंसर यस एंड नो। वाओ आप तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो, इतना तो पता ही है। सुन रहे हो? इसको ब्लॉक करना है। बोलो हालेलुया। बोलो आई वांट टू डू यू फ्रेंडशिप, प्लीज गिव मी आंसर यस एंड नो। इसका मतलब है क्या आप मेरे से फ्रेंडशिप करेंगी, हाँ या ना का उत्तर देंगी? उसको यस यस ब्लॉक कर उसको, समझ रहे हैं कि नहीं? कहता अपने विचारों पे कंट्रोल करना, छोटी सी बात में गिर नहीं जाना। आदम गिरा, कहता ख्याल कर तू कहां से गिरा है। हवा ख्याल कर तू कहां से गिरी है। पतरस गिरा, कहता ख्याल कर तू कहां से गिरा है। ख्याल करे अगर आज विश्वासी, याद रखना पवित्र आत्मा कह रहा है फिर से उठाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। जहां जिस चीज पर आप गिरते हो उस स्थान पर बार बार मत जाओ, हट जाओ। हटना पड़ेगा, हटना पड़ेगा अगर आप बचना चाहते हो। शैतान भटका रहा है आपको। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बैठ के आपके पास, हट जाओ उस स्थान से, हटो वहां से। कह रहा है जब तक आप हटते नहीं तब तक कह रहा कि वो आप उस तीर से बचते नहीं है, उस गोली से बचते नहीं है, निशाने से बचते नहीं है। अपने आप को हटाना है। और हटाते कैसे हैं? अपने विचारों को कैसे हटाओगे? डांट देना आज अपने विचार को कि चल हट जा, मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ। हालेलुया। आपको अपने बातों अपने विचारों से बात करनी पड़ेगी, अपने अपने परिवार से बात करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग आकर कहते हैं पापा कि मेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, बड़े गंदे गंदे विचार आते हैं। गंदे गंदे विचार, अपने आप को कंट्रोल कर, अपने आप बोलो कि पवित्र आत्मा। अंधे गंदे विचार पौलुस को भी आते थे। पौलुस ने कहा मैं अपनी देह को मारता हूँ,
और कूटता हूँ और दिलाता हूँ। गंदे विचारों पर आपका कंट्रोल नहीं है, वो कोई पाप नहीं है, लेकिन अगर कह रहा कि आ रहे हैं, लेकिन अगर आप उसमें बैठ गए तो आप फंस जाएंगे। इसलिए कह रहा है परमेश्वर भटके नहीं, उसको डांटना स्टार्ट करें यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को ये नहीं कहा बैठते बैठते शांत हो जा, उसने कहा डांटता हूँ तेरे को, तूफान थम जा, और वो थम गया। हालेलुया। आज कैसा भी तूफान है, वो डांट आप विचार है, उसको डांट दो आज का, चल दोबारा ना, मैं कह रहा हूँ दोबारा नहीं आएगा यीशु मसीह के नाम में। योशू 3:5 में लिखा कह रहे कि अगर तुम अपने आप को पवित्र करो। योशू ने प्रजा को क्या कहा, कह रहा सुनो, वो प्रजा थी जो योशू के टाइम में वो चमत्कार को देखना चाहती थी। हो सकता है कितने लोग अपने घर में आज चमत्कार देखना चाहते हैं, कितने लोग अपनी बॉडी में चमत्कार देखना चाहते हैं, कितने लोग आज अपने बिजनेस में एक रुपया नहीं आया आज तक, करोड़ों रुपया चाहते हो कि नहीं चर्च, कह रहा चमत्कार देखोगे आज मेरी दुआ से। लेकिन योशू ने कहा, कह रहा पहले अपने आप को पवित्र करो, कल के दिन यहोवा तुम्हारे बीच में चमत्कार पर चमत्कार चमत्कार पर चमत्कार करा, चमत्कार पर चमत्कार करेगा। अपने पासपोर्ट पर चमत्कार देखना चाहती है, लाल चुन्नी वाली नाम तो बता, चमत्कार होगा यीशु मसीह के नाम में। सुनोनी सुन रहे हैं कि नहीं, आपको विश्वास करना है। अगर आप चमत्कार देखना चाहते हैं परमेश्वर करेगा। न्यायियों 16:28 में देखो, यहाँ पर ये व्यक्ति भटक गया था, लेकिन इसने उसी समय पश्चाताप किया, और उसी समय शिमशोन क्या कह रहा, शिमशोन ने यह कहकर यहोवा से प्रार्थना की, गलती मानी अपनी और कहा हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले है परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे, मेरी गलती को माफ कर, करे कि मैं फिलिस्तीनियों से अपनी आंखों का पलटा ले सकूं। और परमेश्वर उसको खोई हुई ताकत वापस दे दी, और उसने संगलों से बंधे हुए खंबे से ऐसे करके लेंटर सारा गिर दिया, सारे फिलिस्तीनी मर गए। याद रखना, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपको खोई हुई ताकत वापस दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपकी जिसने शर्मिंदगी की है, जिसने नाम तराई की है, उन्हीं के सामने पलटा लेगा मेरा परमेश्वर। आपके बच्चों का फ्यूचर जहां रोक दिया गया है, मैं कह रहा हूं फिर से बनेगा। जो बहन आज तक तरक्की नहीं करी, जिसको आज तक बांध से बच्चा नहीं मिला, मैं कह रहा हूं परमेश्वर देगा आज रात। आप वो बनेंगे जो किसी ने नहीं बनने दिया आपको, पवित्र आत्मा वो बनाना चाहता है। करा शरीर करा तुम्हें रोकता है, लेकिन आत्मा तैयार है तुम्हें बनाने के लिए। लेकिन आज आपको फैसला लेना है। आज कितने लोग तैयार हैं, आज कितने लोग निर्णय लेंगे कि परमेश्वर मैं आज गंदी चीज को, आज मैं उस अंदर के शेर को मार कर जाऊंगा, मैं अभी इसी समय निर्णय लेता हूँ। कितने लोग अभी निर्णय लेंगे। एक जगह मैं प्रचार कर रहा था, मैंने कहा कितने लोग आज निर्णय लेंगे, तो उसी समय एक लड़का आया, बोला कहता धीरे धीरे लेंगे। मैंने कहा कितने लोग लेंगे, शराब छोड़ेंगे, कहता है धीरे धीरे छोड़ेंगे। मैं कहा सिगरेट छोड़ेंगे, कहता है धीरे धीरे छोड़ेंगे। मैंने कहा लड़कीवादी छोड़ेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। मैंने कहा भाई इधर आ, मैं किचन में गया फटाफट, मेरे चर्च में किचन होती थी, किसी के घर को मैं चर्च बोलता था, मैं उसकी किचन में गया, उसको लेकर गया, मैंने तवा गर्म किया, मैंने उसका हाथ उस पर रख दिया, मैंने कहा कह रहा छोड़ो बातें छोड़ो, मैंने कहा धीरे धीरे छोड़ेंगे। मैंने कहा धीरे धीरे छोड़ेंगे, नहीं अभी छोड़ेंगे, समझ में आया कि नहीं। हालेलुया, धीरे धीरे छोड़ेंगे। कह रहे कोई भी विचार पर हाथ रखे क्या ना जले, वो पाप करें दंड ना मिले, मिलता है धीरे धीरे नहीं, जल्दी जल्दी छोड़ेंगे। अगर आपका पति शराब ना छोड़े, मेरी तरह करना, आज हाथ पकड़ के तवे पे रख देना, नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, जो कहे धीरे धीरे छोड़ेंगे उसका हाथ रख देना, आज इन शराबियों का हाथ जरूर रखना, उनका हाथ रख देना। करा पादरी, मैंने कहा बेशक चर्च में आइयो, बेशक मेरी रिपोर्ट करा दियो, मैं खड़ा रहा उसके ऊपर। करा पापा गलती होगी, इतना छल्ला पा दिया मैंने उसके हाथ पर, क्योंकि मैं गुस्से वाला था। हालेलुया, समझ में आ रहा है। अगर आपके अंदर पाप के लिए गुस्सा है तो आप बहुत अमीर आदमी बनने वाले हो। क्या बनना चाहते हो कि नहीं? उसके एक फैसले ने उसकी खोई हुई वापस, खोई हुई अनॉइंटिंग वापस दिला दी। अगर आज आप चाहते हो, आज परमेश्वर कर रहा है, कह रहा कि उसी समय चुंगी लेने वाले ने तुरंत निर्णय लिया। अगर आप तुरंत निर्णय लेंगे तो तुरंत चंगाई देगा आज मेरा परमेश्वर, तुरंत बिजनेस को खोलेगा आज, तुरंत चमत्कार होगा आज, तुरंत लेना के धीरे धीरे। आगे जो धीरे धीरे कह रहे हैं उनके सामने तवा जरूर आएगा रात को। सारे बोलो हालेलुया,
हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो, घोषणा करता हूं मैं उन लोगों के लिए जितने आज अपने अंदर की अशुद्ध चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, फैसला लेने के लिए तैयार हैं, आज तुरंत यीशु उनकी लाइफ में चमत्कार करेगा। आज ये आपका खोया हुआ पैसा, खोई हुई ताकत, खोई हुई नौकरी, खोई हुई नंटिंग, खोए बच्चे, आज पवित्र आत्मा वापिस आएंगे, वापिस आएंगे। जो नशे में डूब चुके हैं वापिस आएंगे, जो पति नशे में डूब गया वापिस आएगा, जो बच्चा भटक गया अपनी राह से, अपने माँ बाप की इज्जत करना भूल गया वापिस आएगा, जो बच्चा स्कूल जाना भूल गया वापिस आएगा, स्कूल जाएगा। मैं कह रहा हूँ आपके बच्चे पढ़ाई में नंबर वन होंगे, नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन। मैं कह रहा हूँ अगर शैतान ने आपकी सेवकाई को बंद करा दिया है, कोई मुझे यूपी से, बिहार से, मुंबई से, पंजाब से, कहीं से देख रहे हैं, आपकी सेवकाई दोबारा खड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में, आपके प्रायोरिटी दोबारा आएगी। मैंने आज तुरंत फैसला लिया है, आपका बिजनेस बर्बाद कर दिया होगा शैतान ने, लेकिन आज फैसला लेना, आज पवित्र आत्मा से कहना कि पवित्र आत्मा मैं आज अंदर के शेर को मार कर जाऊंगा, प्रभु मैं अपने अंदर के शेर को मारूंगा, मारूंगा, मारूंगा। बोलो बोलो मेरे साथ अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं अपने अंदर के अभिलाषा के शेर को मारता हूँ, बोलो बोलो व्यभिचार के, गुस्से के, हर एक पाप के शेर को मार देता हूँ। मैं जिन चीजों के कारण बिक गया था, मेरी जिन चीजों की बॉडी टेस्ट करती है परमेश्वर, मैं उनको इसी समय छोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है परमेश्वर कि इसी समय पवित्र आत्मा अभिलाषा का शेर आज मर जाए, मेरे अंदर का अभिलाषा का शेर मर जाए, मेरी बॉडी जिस चीजों का टेस्ट मांगती है पवित्र आत्मा मैं छोड़ देता हूँ उस अशुद्ध चीजों को, उस अशुद्ध चीजें जो मेरे अंदर छिपी हुई है मैं बाहर फेंकता हूँ, जो बात अंदर छुपी हुई है बाहर निकले आज यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर मुझे आजाद कर, मैं अलर्ट होना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा मेरे बच्चों का करियर बना, आज मेरे साथ प्रार्थना करो, आज कहो परमेश्वर से तुम्हें प्रार्थना करना सिखा रहा हूँ, आज कहो पवित्र आत्मा मेरे अंदर, पवित्र आत्मा मेरे अंदर, पवित्र आत्मा मेरे बच्चों का कैरियर बना, मेरे अंदर छिपा हुआ है मेरे बच्चों का कैरियर, मेरा फ्यूचर मेरे अंदर छिपा हुआ है, मुझे पता लग गया है, मैं आज बाहर वाले शेर को मार कर आया हूँ, बहुत प्रचार कर कर आया हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा मैं जानता हूँ अंदर से, मैं आज इसी समय परमेश्वर अंदर की अभिलाषा के शेर को मारना चाहता हूँ। आज कहो मैं जानता हूँ मैं बड़ी बिजनेस बना कर आया हूँ, मैं बड़ी दुकान खोल कर आया हूँ, मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर आया हूँ, मैं जानता हूँ अपने आप को अंदर से मैं कितना गिरा हुआ हूँ परमेश्वर, कि आज मुझे अंदर से तैयार कर दे, मैं अंदर के अभिलाषा के छुपे हुए शेर को मारना चाहता हूँ आज, मारना चाहता हूँ आज। पवित्र आत्मा अलर्ट कर दे मुझे, लोगों को अलर्ट कर दे, कोई आत्मा इन्हें भटकाने ना पाए, कोई आत्मा इन्हें भटकाने ना पाए, ये फ्री ना रहे। अगर आप अपने आप को फ्री रखते हैं, इसीलिए शैतान आप पर कब्जा करने की कोशिश करता है, अपने आप को फ्री ना रखो। बाइबल में पढ़ो, बाइबल में जाओ, फ्री टाइम बाइबल में दो, प्रार्थना में दो, चर्च आओ, अच्छे लोगों के साथ संगति करो। पवित्र आत्मा आज रात कह रहा है कि वो बनाएगा जो आपने नहीं मांगा, देगा देगा देगा, जो मांगोगे मिलेगा। बस अंदर का शेर मार दो आज, अंदर का शेर मार दो आज, जो नहीं मांगा वो मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अंदर का शेर मार दो आज। पूछो अपने पड़ोसी को, मार दिया अंदर का शेर? हालेलुया। गुस्से का शेर मार दिया? जठानी देर रानी से लड़ने का शेर मार दिया? सास ससुर से उल्टा बोलने का शेर मार दिया? अपने पति पे शक करने का शेर मार दिया कि नहीं? इस पे तो मैं थोड़ा सा गौर से बोलूंगा, शक करने का शेर मार दिया कि नहीं? मार दिया कि नहीं? मार दिया, मार दिया, मार दिया, मार दिया कि नहीं? तो याद रखना, परमेश्वर ने हर उठने वाली जीप आपके सामने से कीटाणु, बीमारियां, कर्जे मार दिया। फिनिश, यू आर फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। कितनों को समझ में आया आज प्रचार? अच्छा लगा? मेरी बॉडी ये वाला टेस्ट मांग रही है। हालेलुया। आपकी बॉडी क्या टेस्ट मांग रही है मुझे नहीं पता। गोलगप्पे और गुड़ ध्यान से खाना। सारे बोलो हालेलुया। आपको ने वादा किया परमेश्वर से, परमेश्वर आपको वो बनाए, जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, जो आप कभी नहीं बने। मैंने आते ही स्टेज पे कहा ये मंथ आपको तरक्की का साल होगा, तरक्की का मंथ होगा आपका। आमीन। आप इतना पैसा जोड़ेंगे इस महीने में, ये भविष्यवाणी है। पूरे चार महीने के बाद आपकी जमीन रोड में आ जाएगी। आमीन। कईयों की बच्चे चार महीने के बाद गवर्नमेंट जॉब में लग जाएंगे। आमीन। ये भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए जो विश्वास कर रहे हैं, जिन्होंने अंदर के शेर को मार दिया है। मैंने पड़ोसी को बोला, हमने बाहर का शेर मारा, अंदर का नहीं। आज जाग रहा अंदर का शेर है। ऐसा नहीं करना, किसी से झगड़ा हो तो उसको ये नहीं करना, हो तेरे को जानता नहीं सानू कौन आपा, ऐसा मतलब अंदर का शेर मारा नहीं तुमने अभी। हालेलुया। हमने पड़ोसी को अंदर का शेर मारा है। हालेलुया।
और औरतें, ये हमारा अंदर का शेर के नहीं, किसी को देखकर गाल चढ़ाना, गाल बजाना, नफरत करना, अंदर का शेर मारना है। हालेलुया।